स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आने वाले एपिसोड्स में अभिमान के फैंस को बहुत ज्यादा रुलाने वाला है। अब हीरा और अरमान को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपने लाइफ का कि उन्हें बेबी को रखना है या नहीं। एंड अरमान ऑब्वियसली अपनी अभीरा को सबसे पहले बचाना चाहेगा और इसीलिए अरमान अपना डिसीजन अभीरा को सुना देगा। अभीरा को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। चारू की एंगेजमेंट वाले दिन अभीरा और अरमान दोनों ही अलग दुनिया में खोए होंगे और एक दूसरे के इमोशन सिर्फ यही दोनों समझ पाएंगे और अभीरा डर के एक बार फिर से कबर्ड में जाकर बैठ जाएगी। अरमान भी अभीरा के पीछे पीछे जाएगा और उसके साथ कबर्ड में बैठ जाएगा। अभीरा आउट ऑफ कंट्रोल होगी लेकिन अरमान उसे पकड़ कर उसे अपनी तरफ लाएगा, उसे गले लगाएगा और दोनों यहाँ पर फूट फूट कर रोएंगे। जिस बच्चे को उन्होंने इतने टाइम तक इंतजार किया था वही बच्चा उनके साथ नहीं रह पाएगा, ये सोचकर वो दोनों का दिल टूट जाता है और अरमान और अभीरा बहुत ज्यादा रोते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन होने वाला है जो फैंस को भी रुला देगा क्योंकि उनके फेवरेट अभिमान यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान होंगे जब पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा होगा और अरमान का डिसीजन वही का वही रहेगा। वो अभीरा को इस तरह से ढीला नहीं पड़ने देगा, उसे कमजोर नहीं पड़ने देगा और उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, जिसके बाद देखने को मिलेगा कि कैसे अभीरा वेट करेगी कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, कोई साइन मिल जाए उसे भगवान की तरफ से और वो इस बच्चे को अपने साथ रख ले और उसे कुछ ना होने दे। और हॉस्पिटल में यही होगा, अभीरा के गोद में लड्डू गोपाल की एक मूर्ति आकर गिरेगी जिसके बाद अभीरा को लगेगा कि ये साइन है भगवान जी का और वो उस साइन को ले लेगी और वो ये डिसाइड कर लेगी कि इस बच्चे को तो वो रखेगी और कुछ नहीं होने देगी। और अरमान को भी वो इसी बात के लिए कन्विंस करना स्टार्ट कर देगी और हॉस्पिटल से चली जाएगी। अभीरा को लगेगा कि वो धीरे धीरे साथ में मिलकर संभाल लेंगे हर चीज को, हर डिफिकल्ट सिचुएशन को।